आज हम मखानों से एक न्यू रेसिपी बनाएंगे। ये मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनसे हमारे को कैल्शियम मिलता है। ये किसी न किसी रूप में हमारे को खाने में शामिल करने चाहिए। इसके लिए हम लेंगे 7-8 प्याज, उनको बड़े बड़े काटेंगे और उनको छील लेंगे। और टमाटर लेंगे, टमाटर को भी हम बड़े बड़े काटेंगे, 4-4 पीस करेंगे इनके एक टमाटर के। और इसके लिए लेंगे हम 125 ग्राम मखाने। मखानों को हम थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के इनको रोस्ट करेंगे, जिससे इनका जो मॉइस्चराइज़र है वो कम हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और इनको रोस्ट करेंगे हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे जे। जे लगातार हमारे को चलाते रहना है इनको। और ये देखो क्रिस्पी हो गए हैं बिल्कुल। और इनको एक बर्तन में अलग से डाल लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, और जो प्याज है उनको हम फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ओनली गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इनको। प्याज हमारे भुन गए हैं, और जो टमाटर काटे थे हमने बड़े बड़े वो इसमें डाल देंगे हम। ये इनको हमने ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। थोड़े कच्चे से रखने हैं। और उसमें नमक, मसाला, हल्दी, मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए। और फिर मखानों को डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, 10 मिनट के लिए पकाना है ओनली इनको, जिससे ये मसाला और जो हमने टमाटर प्याज वगैरह डाले हैं वो मखानों को चिपक जाएं बस। ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी इसकी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस थोड़ी सी उबाली देंगे हम इसको। और ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है मखानों की सब्ज़ी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अगर हमारे आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।